नमस्ते, मेरा नाम राधा बिनोद शर्मा है। मैं त्रिपुरा का हूँ, इंडिया का हूँ। मैं आज एक चीज आपसे वार्ता देना चाहता हूँ, जो कोरोना की जो फैले हुए है उसमें कलाकार के लिए क्या अध्याय ले सकता है। हम चाहता हूँ कि यानी हम लोग चाहता हूँ कि त्रिपुरा के जितना कलाकार है इकट्ठा होके जो घर में बंधे हुए जो बच्चे लोग और जो लोग इसमें कोई उम्र की कोई फिक्र नहीं है, कोई भी हम लोग के साथ संयुक्त कर सकता है। ऑनलाइन में आर्ट को हम सिखाना चाहता हो घर घर में, आप कहीं पे भी बैठिए कर सकता हो। त्रिपुरा के लिए करना चाहता हूँ हम। और मेरा नाम राधा बिनोद शर्मा है, मैं इमा फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मैं फिलहाल लंदन में रहता हूँ। इमा फाउंडेशन 2008 में रजिस्टर्ड हुआ है लंदन में और 2019 त्रिपुरा में रजिस्टर्ड हुआ है। इमा फाउंडेशन की मेन उद्देश्य है अपनी देश की कला संस्कृति को कैसे आगे ले जाए ग्लोबल प्लेटफॉर्म में और इंडिया में। हम लोग 2017 में यूनेस्को ने हम लोग को इनवाइट किया था वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस में। हम लोग इंडिजिनियस आर्ट को हम लोग डेवलप इंडेंजर आर्ट को हम लोग डेवलप किया है। एक्चुअली इमा फाउंडेशन हम लोग तीन शाखा लेके काम करता हो, इंडिजिनियस आर्ट, इंडेंजर आर्ट एंड कंटेम्पोररी आर्ट। तो वहाँ पे हम लोग ने थांगता को दिखाया है और हमने मेडिटेशन को दिखाया है जो अपना परंपरा जन्म सूत्र से हम लोग सीखा है मम्मी पापा से घर से। और मेरा वाइफ इमा फाउंडेशन की डायरेक्टर रानी शर्मा है। रानी शर्मा ने ह्यूमन फ्लोरिशिंग यानी इंसान की जो अंदरों जो ताकत कैसे उसको विचार करे खुद के माध्यम से मैं कौन हूँ उसको लेके उन्होंने डेवलप किया है ट्राइंगुलर हम यूनेस्को। और यूनेस्को में हम लोग एक्चुअली इमा फाउंडेशन एक्चुअली अभी जो यूनेस्को में आप लोग जाइए गूगल सर्च में आर्ट एंड सोसाइटी में इमा फाउंडेशन लिटरेचर जो है ना ऑनलाइन इंडिया के लिए हम लोग ख्याल रखता हो। सबसे जो जरूरी बढ़ता है अपना कल्चर को डेवलप कैसे करें। और 2016 रविंद्रनाथ की अनुभव को लेके रविंद्रनाथ की जो जीवन स्थिति है जीवन स्थिति में जो लिखा है जो हम लोग भूल नहीं सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जो चीज़ भूल नहीं सकता है जिंदगी के हिस्सा में। तो हम लोग ने डिसाइड किया है पॉजिटिव को लेके क्यों काम नहीं करें आर्ट के माध्यम में। तो 2016 में हम लोग ने एक आर्ट अध्याय किया रूमिंग एग्जीबिशन अहमदाबाद जयपुर बड़ौदा एंड 2017 में हम लोग यूनेस्को में किया। और 2000 अनुभव लेके जीवन स्थिति की जो पॉजिटिव साइड लेके और 2018 में त्रिपुरा में हम लोग ने एक वुड कार्विंग कैंप किया इंटरनेशनली उस अंतर्जातीय भाग से, तो वो भी बहुत सक्सेस रहा और नजरुल कला क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद 2019 में हम लोग ने 31 अक्टूबर जियोन हिल स्कूल तुसिन राय तेलामुरा में 209 बच्चे को इंडिजिनियस बच्चे को हम लोग ने ट्रेन किया 10 आर्टिस्ट जाके त्रिपुरा के, उसमें बेम्बू रूट कार्विंग क्ले मॉडलिंग पेंटिंग ये सब हम लोग ने सिखाया। उसमें इतना मज़ा आया कि बच्चे लोग आज तक आर्ट क्या होता है मालूम नहीं था। तो हम लोग ने डिसाइड किया हर साल हम जाऊँगा। और वही 2019 में 2nd and 3rd November नॉर्थ ईस्ट की जो 8 स्टेट है इंक्लूडिंग सिक्किम हम लोग ने इनवाइट किया त्रिपुरा में, इकट्ठा बैठ के हम लोग ने विचार किया
तो मीटिंग था 2 नवंबर एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नजरुल कला की बाजू में, तो वहाँ पे हम लोग ने सिग्नेचर भी किया। हम लोग इकट्ठा इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट से काम करेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग ने साइन भी किया। वो बढ़िया अच्छा हुआ। तो इसकी बात रिसेंटली मार्च की 4-5 से 3 दिन बिहार की जो म्यूजियम है वहाँ पे हम लोग पटना एरिया की जो स्लम औरत दुख है, औरत को कैसे, माँ को कैसे ख्याल करें, बेटी को कैसे ख्याल करें, उसको लेके हम लोग ने वर्कशॉप रखा था। वो भी बहुत ही सक्सेसफुल गया था, वो बिहार म्यूजियम और इमा फाउंडेशन की कोलैबोरेशन में हुआ। तो तब मैं त्रिपुरा आया था फिर 4 दिन के लिए 8 तारीख को मार्च की। तो ना हम लोग ने निर्णय किया चलो त्रिपुरा में कुछ करते, हर साल करे तो त्रिपुरा में हम लोग ने अगेन फंक्शनल स्कल्पचर की एक वर्कशॉप रखा था। 12 जन हम लोग था और पटना की 2 आर्टिस्ट भी था। तो फंक्शनल स्कल्पचर नहीं, लकड़ा बहुत है हम लोग की, तो लकड़ा को लेके हम लोग ने कैसे स्कल्पचर बना सकता है और स्कल्पचर वो फंक्शनल यूज भी कर सकता है, तो ये फ्यूचर में टूरिज्म में भी बहुत मदद करेगा। और बच्चे लोग जो बैठा है एम फाइन करके बी फाइन करके वो लोग को भी प्रेरणा मिलेगा मिल के कुछ करते। तो ये जो अनुभव को हम त्रिपुरा में वापस लेके आना चाहता हूँ, जो बच्चे लोग माँ लोग बहन लोग जो भी जो उम्र किए हुए वो लोग हम लोग ऑनलाइन की तरफ से व्हाट्सएप में या जूम में हम लोग प्रशिक्षण कर सकता हो, तो एक अच्छा निर्णय है। हम लोग कम से कम घर में बैठा हो, सोशल जो डिस्टेंस है वो रख रहा हो, तो घर में बैठ के भी काम कर सकता है, आपको बोर नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग आइए, हम लोग के साथ काम करिए। हाँ, तो मेरे बुजुर्गों भाई बहन सबको मैं निमंत्रण कर रहा हूँ, बहुत बहुत प्यार से सब कुछ हो सकता है। हाँ, संस्कृति से सब कुछ हो सकता है, कला से सब कुछ हो सकता है, सब मिलके कुछ करते। थैंक यू।